तो दोस्तों आज बात करेंगे हम आगे लाभानी के बारे में। लाभानी में हमारे सवाल हो गए थे 13 तक हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। अब 14वां सवाल देखिए क्या कहता है, पढ़ें पहले इसको। 14वें सवाल में कहा गया है कि 1 रुपये में 4 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। इसमें कुल लिखा हुआ है, सही कर लें इसको, कुल की जगह कुछ कर लो, कुल के स्थान में क्या कर लें, कुछ। कुछ वस्तुएं खरीदी तथा 2 रुपये में 5 की दर से उन सभी वस्तुओं को बेच दिया, तो बताइए सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। सवाल ये कह रहा है कि 1 रुपये में 4 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, और 2 रुपये में 5 की दर से सभी को बेचा। ऐसे सवालों करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इन वस्तुओं की संख्या का एलसीएम ले लो आप, क्योंकि जितनी वस्तुएं खरीदेंगे आप उतनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी आपको, तभी आप बता सकते हैं पूरे सौदे के अंदर लाभ होगा या हानि होगी। चाहे तो आप ऐसा कर लो कि भाई 4 वस्तुओं की रेट जानते हैं आप, 4 वस्तुओं की रेट कितने रुपये है, 1 रुपये है। जब 4 वस्तु 1 रुपये में आई तो 1 वस्तु बताओ कितने रुपये में आई, 4 वस्तु आई 1 रुपये में, तो 1 वस्तु कितने में आएगी, 54 में आएगी, 25 पैसे में आएगी। और 5 वस्तु बिक रही हैं आपकी 2 रुपये में, तो आप यहाँ से भी 1 वस्तु बेच दो। अगर 5 वस्तु बिकती हैं 200 पैसे में, 2 रुपये को 200 पैसे कह सकते हैं ना, 5 वस्तु बिकती हैं 200 पैसे में, तो 1 वस्तु कितने बिकेगी, 40 पैसे में। 25 पैसे में खरीदी और 40 पैसे में बेच दी, फायदा हो गया ना। 25 में खरीदी, क्रेमूल हो गया 25, विक्रेमूल हो गया 40 पैसे। जब क्रेमूल 25 पैसे बैठ रहा है, विक्रेमूल 40 पैसे बैठ रहा है, तो 15 पैसे फायदा हो गया। 15 पैसे फायदा कितने पर हो रहा है हमारा, 25 पैसे पर, क्योंकि क्रेमूल 25 आ रहा है पकड़ में। जब 15 का फायदा 25 पर हो रहा है, तो 15/25 × 100, माइंड माइंड में हो रहा है सवाल कि आंकड़े बिल्कुल आसान है इसके, इसलिए कि 25 पैसे क्रेमूल आया, 40 पैसे विक्रेमूल आया, 15 पैसे का फायदा हो गया। तो 15/25 × 100 कर दो, जब 15/25 × 100 करेंगे आप तो क्या आएगा, 15/25 × 100, 2500 काटो माइंड माइंड में, 4 बार कटा और 15 चौके 60% हो गया। तो मतलब ये कहने का कि यदि इसको मुंहजवानी भी किया जाए तो भी ये सवाल हो रहा है, लेकिन यदि दो कंडीशन में खरीद लें, दो कंडीशन बेचें, एक में खरीदें दो में बेचें, मतलब एक कंडीशन खरीदने की आती है और एक कंडीशन बेचने की आती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट देखो कैसे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, ये क्रेमूल हो गया, ये विक्रेमूल हो गया, 5 क्रेमूल 8 विक्रेमूल। जब 5 क्रेमूल 8 विक्रेमूल, तो कितने फ़ायदा हो गया इसमें, 2 रुपये का फ़ायदा हो गया, नहीं 3 रुपये का, 5 क्रेमूल और 8 विक्रेमूल 3 का फ़ायदा हो गया ना। 3 का फ़ायदा कितने पर, 5 पर, तो 3/5 × 100 करेंगे हम, 3/5 × 100 तो भी 60% आएगा। लेकिन फिर भी अगर सबकी विधि हम अपनाएं जो सब पर लग सकती है, चाहे 2 कंडीशन आए चाहे 3 कंडीशन आए, तो उसके लिए विधि लिखो आप। यहाँ देखिए आप कि 4 वस्तु यहाँ पर हैं, 5 वस्तु यहाँ पर हैं। आप ऐसा करो वस्तुओं की संख्या का एलसीएम ले लो, लिखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे सॉल्व हम, वस्तुओं की संख्या का एलसीएम बताओ क्या रहा है, वस्तुओं की संख्या यानी 4 तथा 5 का एलसीएम, एलसीएम कितना गया बताओ, 20 आ गया। तो आप ऐसा करो 20 वस्तु खरीदो और 20 ही वस्तु बेच दो, आप एक बेचो एक खरीदो, एक खरीदो एक बेचो, चाहे 2 खरीदो 2 बेचो तो भी वही परसेंटेज आएगा, चाहे 100 बेचो 100 खरीदो तो भी वही परसेंट आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 20 खरीदता हूँ और 20 ही वस्तु बेचता हूँ, तो जितनी वस्तु आई उतनी वस्तु गई, जितनी वस्तु खरीदी उतनी वस्तु बेच दी आपने, तो मैथमेटिकली आपका हर तरह से आंसर वही आएगा। तो अब आप देखिए गौर कीजिए यहाँ पर कि ये 4 वस्तुएँ, आपको इन वस्तुओं को 20 वस्तु बनाना है, तो बताओ मैं 4 को किससे गुणा करूँ ताकि ये 20 बन जाए, 4 को किससे गुणा किया जाए ताकि ये 20 बन जाए, तो आप कहेंगे साहब 5 से गुणा कर दो, 5 चौ 20 हो गया ना। यदि 5 से गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 5 से यहाँ कर दो, इसका मतलब यह कि 5 एकम 5 रुपये में आपने 20 वस्तुओं खरीद लिया। तो ये सवाल ही सवाल के अंदर सेट हो रहा है, ये सवाल लिखा हुआ था हमारा उसी के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं हम, 5 चौ 20, 5 से गुणा क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे 20 वस्तुएँ खरीदनी हैं, तो आप यहाँ के यहीं इसको 5 से गुणा करके 20 वस्तु बना लो, और जिससे गुणा यहाँ कर रहे हो उससे यहाँ कर दो ताकि बैलेंस रहे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो आप 5 को फिर 20 बनाएंगे, इस 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप, 4 से गुणा करोगे, 4 से कर दो तो इसको भी 4 से करो फिर आप, तो 20 वस्तु आपने खरीदी
और 20 वस्तु आपने बेच दी, 20 खरीदी 20 बेच दी, इसका मतलब वस्तु तो आई और गई, अब बस ये देखो आपकी इतने में खरीदी इतने बेची। तो क्रेमुल पकड़ में आ रहा है सवाल में 5 एकम 5 रुपये और बिक्रेमुल पकड़ में आ रहा है सवाल में 4 दूनी 8 रुपये। तो यही पकड़ में आ गई भाई लाभ कितना हो रहा है इसमें 3 रुपये और परसेंट लाभ निकालेंगे हम तो 3/5 × 100 कर दीजिए और 5 से 100 कितनी बार कट रहा है बताओ 20 बार कट रहा है और 20 दिया कितना हो गया 60% हो गया। ये सवाल है आपका, एक तो ये उतार लो आप, एक इसका और बताऊंगा मैं अभी आपको। उतार लिया, इसके बाद में देखो एक तरीका और इसका। ये सवाल है आपका, इसको मैंने किसी से गुणा नहीं किया ना एलसीएम लिया इसका मैंने, सेकंड मेथड डाल दो सेकंड विधि, क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपको ऐसा ही आता है एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, इसको एक बार और उतार लो इसी लाइन को और इस लाइन को एक बार और उतारिए। एक रुपये में 4 वस्तुएं इधर से कुछ वस्तुएं खरीदी और ये 20 20 को यहाँ हटा दो, ये आपका सवाल था। तो जब एक बस एक कंडीशन आपकी खरीदने वाली आएगी और एक कंडीशन आपकी बेचने वाली आएगी तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लो क्रॉस, पहले ये गुणा करना है और फिर ये करना है 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। ये देखो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, देखिए ध्यान ही रखना कि पहले ये गुणा होगा आपका, ये क्रेमुल आता है हमेशा और ये बिक्रेमुल होगा, बस सिमेट्री भी इसकी आ रही है। देखो आप 5 एकम 5, यदि यहाँ पर 4 होता तो 5 × 20 बन जाता है, तो हमेशा ये क्रेमुल होगा और ये बिक्रेमुल होगा, अगर इसका क्रम याद है आपको। और ज़्यादातर सवाल ये आता है आपके दो वाला ही, तीन वाला कम आता है लेकिन दो वाला रेगुलर आता रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, जब 5 क्रेमुल है 8 बिक्रेमुल है तो आपका वही सवाल बन गया, आगे भी लाभ 3% लाभ ये हो गया। आगे इसको उतर लें, एक खरीदने वाली एक बेचने वाली कंडीशन होगी तभी चल पाएगा ये। अगले सवाल में आपको 3 कंडीशन दे रखी है इसमें, उसको भी उतारिए। अगला सवाल कह रहा है हमसे कि 1 रुपये में 2 अंडों की दर से, 1 रुपये में 2 अंडों की दर से कुछ अंडे खरीदे ₹2 में 3 की दर से उतने ही और अंडे खरीदे, फिर कह रहा है ₹3 में 5 की दर से सभी को बेचा, कि उतारिए ये सवाल है आपका। इसके अंदर आप देखो वस्तुएं कहाँ पर है, 2 3 5, ये 2 अंडे ये 3 अंडे और ये कितने अंडे हैं 5 अंडे,
आप 2, 3, 5 का एलसीएम बताओ क्या आएगा? 2, 3, 5 का एलसीएम, 2, 3, 5 का एलसीएम गुणाई करना पड़ेगा, 3, 2, 6, 5, 30 हो गया, जैसे उसमें एलसीएम लिया था। अब इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, इसको हम एलसीएम से करेंगे, तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो आप कम से कम 30 अंडे खरीदेंगे, 30 से ज़्यादा भले कितने खरीद लो आप 30 के गुणांक में। अब 30 ही क्यों ले रहे हैं हम इसमें? हम लेने को तो एक अंडा खरीद सकते हैं, यहाँ से भी एक अंडा खरीद सकते हैं हम, और 2 अंडे खरीद करके 2 अंडों को बेच सकते हैं, तो भी आंसर हो जाएगा अपना। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपका सवाल बटे में नहीं आता, पॉइंटों में नहीं आता, आपका सवाल वहाँ के वहीं हल हो जाएगा। कैसे? देखो आप कि मैं यहाँ पर 30 अंडे खरीदूंगा, यहाँ इसने एक शब्द बोला है उतने ही, इसका मतलब 30 अंडे अगर ये वाले खरीदे आपने तो 30 ये वाले खरीदो, हो गया उतने ही। अब ये कह रहा है कि सभी को बेचा, सभी को बेचने मतलब है कि आपने 30 और 30 कितने खरीद लिए? 60 खरीद लिए। अगर आपने 60 खरीदे हैं तो आपको यहाँ पर 60ों को बेचना पड़ेगा, सबको बेचना है। अब जब 60 खरीदे, 60 बेच रहे हैं हम, तो इसका मतलब अंडे तो आएंगे और चले जाएंगे सब। अब इधर एडजस्ट करते हैं हम। अब देखिए आप 2 को 30 बनाओ, किससे गुणा करोगे बताओ? 15 से करोगे, तो इसको भी 15 से कर दो। पहली लाइन क्लियर हो गई, दूसरी लाइन पर आइए, 30 अंडे यहाँ पर हैं, यहाँ 3 को 30 बनाना है, 3 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 10 से करोगे, 10 से यहाँ कर रहे हो, फिर 10 से यहाँ भी करो आप। दूसरी लाइन भी बैलेंस में आ गई, क्रेमुल आ चुके हैं तुम्हारे, ये भी खरीदने का, ये भी खरीदने का, तो 15 एकम 15 तो यहाँ खर्च हो गए हमारे, और 10 दूनी 20 यहाँ खर्च हो गए, 10 दूनी 20 और 15 कितने हुए बताओ? 35 रुपये, 35 रुपये हमारा कुल क्रेमुल है। अब विक्रेमुल यहाँ से आएगा आपका। अब देखो 5 को तुम्हें बनाना है 60, अब 5 को 60 बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करोगे? 5 को 60 बनाने के लिए आप गुणा करोगे 12 से, तो यहाँ भी 12 से कर दो। ये आपका आया विक्रेमूल, ये भी 60 हो गया। देखो आप 60 ही बनाना है इसको हमें, 60 क्यों बनाना है? क्योंकि 30 और 30 60 खरीदे हैं, तो 60 बेचने पड़ेंगे आपको। जब 60 बेचने पड़ेंगे तो 12 5 60 हो गया, और ये 12 30 36 बिके आपके, 35 में खरीदे 36 में बेच रहे हैं हम, फायदा हो गया ना इसमें। कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? 1 रुपये का। जब 1 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पर हुआ? 35 पर हुआ। जब 35 पर हुआ तो 1/35, तो आप इसमें लिखिए कुल क्रय मूल्य बराबर 35 हो गया, कुल विक्रय मूल्य बराबर 36 हो गया, 35 क्रय मूल्य हो गया, 36 विक्रय मूल्य हो गया। लाभ निकालो, लाभ हो गया 1 रुपया, और फिर परसेंट लाभ निकालो, 1/35 × 100, 5 × 7 = 35, 5 से 20 बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 2 सही 6/7%, ये आंसर आएगा इसका। तो चाहे 2 वाले आए, चाहे 3 वाला आए, चाहे 4 वाला आए, लेकिन ये विधि ऐसी आपकी जो सब में चलेगी आपकी। एक का फायदा 35 पर, 35 में खरीदे आपने, 36 में बेचे। ये था हमारा सवाल 15 नंबर। इसके बाद में सूत्र लिखो आप, सूत्र लिखिए। एक रुपये में खरीदी गई वस्तुएं बराबर n × 100 ± a/100। n यहाँ पर वस्तुओं की संख्या है, और a% आपकी लाभ या हानि है। दूसरा लिखिए, 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं बराबर n × 100 / 100 ± a, ये बेचने का हो गया।
तीसरा लिखेंगे हम जब किसी प्रश्न में दो बार परसेंट लाभ या हानि दी हुई हो तो। दो बार का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इसमें तो एक एक बार आ रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है जैसे डबल परसेंट आ जाए लाभ हानि की, तो उसमें आपको तो एक रुपए में बेची गई वस्तुएं बराबर एन इंटू 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, मतलब जो पहली परसेंट होगी वो ऊपर आएगी आपकी और जो दूसरी परसेंट होगी वो नीचे आएगी सिमेट्री से। जैसे पहली परसेंट आपकी लाभ की आ गई तो आप प्लस का चिन्ह लेंगे, दूसरी परसेंट भी आपकी लाभ की आ गई तो उसमें भी प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर पहली हानि की आ गई तो उसमें ऊपर माइनस कर लेंगे, दूसरी लाभ की आ गई तो उसमें प्लस कर लेंगे। तो परसेंटेज कैसी भी हो लाभ वाले में आपको जोड़ना है और हानि वाले में क्या करना है घटाना है, बिल्कुल फिक्स फॉर्मूले हैं ये। और इस प्रकार से सवाल आते हैं आपके लिए, तो ये ध्यान रखें आप, ये जो हमारे सूत्र हैं तीनों एक रुपये के सूत्र हैं, ठीक है ना। एक रुपये में खरीदना है, एक रुपये में बेचना है या दो परसेंट वाले को एक रुपये में बेचना है, इसमें एक रुपये में बेची गई वस्तु ही आती हैं डबल परसेंट वाले में, ठीक है ना। इसमें सिंगल परसेंट वाले में आपको बेचने का भी आ सकता है सवाल और खरीदने का भी आ सकता है सवाल। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीनों ही सवाल इस ग्रुप के हैं हमारे। अब आइए 16वें सवाल को पढ़िए पहले, क्या कहता है और उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है आपका। ये कह रहा है कि एक रुपये में 25 वस्तुएं बेचकर, कितनी वस्तु बेच रहा है 25, एक रुपये में 25 वस्तुएं बेच करके एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। जब 20% लाभ कमाता है तो एक रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, एक रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, इसका मतलब सबसे पहला सूत्र लग रहा है ना। अब इसमें क्लियर दिख रहा है आपको एन का मान 25 दे रखा है इसमें, 25 वस्तुएं, और ये कह रखा है 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब ऊपर आप जोड़ देंगे इसको, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 बटे कितना 100, तो 25 गुणा 120 बटे 100 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे फिर, तो ये हो जाएगा हमारा, लिखो सवाल नंबर 16, एक रुपये में खरीदी गई वस्तुएं बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप 25, यहाँ हो जाएगा हमारा 120 और बटे हो जाएगा 100, 25 से 4 बार काटो इसको, 4 से 30 बार काटो इसको, सीधा उत्तर हमारा कितना आ गया बताओ, 30 वस्तुएं, एक रुपये में खरीदी वस्तुएं कितनी हुई 30 हो गई। इसी ग्रुप में 17वां है, 17वां क्या कह रहा है, एक रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी गई, उन सभी वस्तुओं को बेचने पर 4% हानि हुई, तो एक रुपये में कितनी वस्तुएं बेची, तो आप बेचने वाला सूत्र लगा दो इसमें, तो लिखो एक रुपये में बेची गई वस्तुएं बराबर एन, अब ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से, ये एन तो एन ही रहता है यहाँ पर, और उसमें ये उल्टा यानी 100 ऊपर आएगा इसमें और नीचे आपका 4% हानि कह रहा है, 4% हानि का मतलब 96 आ जाएगा यहाँ, ये 96 आ गया, तो 24 से 96 को काटिए आप, 24 से 4 बार काट दिया इसको और 4 से इसको काटो, कितनी बार कट रहा है 25 बार, ये इसका आंसर आ गया, 24 से 4 बार काट दिया और 4 से कितनी बार 25 बार, इसका मतलब एक रुपये में बेची वस्तुएं कितनी हो गई 25 हो गई। सपोज करो यहाँ पर वो चेंज कर देता, वो आपसे कहता भाई 3 रुपये में बेची वस्तु बताओ, जब 3 रुपये में बेची वस्तु कहते हम तो ये इतना कर देते हैं, जब 1 रुपये में 25 बेच रहे हैं हम तो 3 रुपये में कितनी बेचते 75 बेचते, तो ये यहाँ पर बदलाव करता है 1 रुपये के अलावा, तो पहले आपको 1 रुपये का निकलना है, फिर वो जितने रुपये की बात कर रहा है उससे गुणा कर दीजिए आप। ये थे आपके सिंगल परसेंट वाले, लेकिन अब जो आ रहा है सवाल आपका वो डबल परसेंट वाला आ रहा है, और उसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 45 रुपये में 60 वस्तुएं बेचकर, जब 45 रुपये में 60 वस्तु बेच रहा है वो, तो बताइए एक रुपये में कितनी बेचेगा वो, 45 रुपये में 60 वस्तु बेच रहा है तो एक रुपये में बेचेगा 60 बटे 45,
सवाल ये कह रहा है आपसे कि 45 रुपये में साठ वस्तुएं बेची, तो आप इसको 1 रुपये में कन्वर्ट करो पहले। 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं हो जाएंगी आपकी 60/45, ठीक है ना। ये एन का मान हो गया ना हमारे पास, 1 रुपये में बेची गई वस्तु की 45 भाग दो इसमें आप 60/45। और फिर ये कह रहा है कि ऐसा करने पर उसे 20% लाभ हुआ, तो पहली परसेंट आपकी 20% लाभ की दे रखी है। फिर ये कह रहा है कि यदि उसे सभी वस्तुओं पर 10% हानि होती, 10% हानि होती, देखो डबल परसेंट वाला आ गया ना, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। फिर ये कह रहा है 10% हानि होती तो 36 रुपये में वो कितनी वस्तु बेचता। 36 की बाद में बात होगी, पहले हम किसी बात करेंगे 1 रुपये की। 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा उसका हम सूत्र जानते हैं, तो पहले 1 रुपये में निकालो, फिर 36 से गुणा कर देंगे लास्ट में। तो लिखिए 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं, ये एन का मान हो गया, तो एन हो गया हमारे पास में 60/45, और 100 ± a, पहली परसेंट ऊपर आएगी तो 120 आएगा ऊपर, और दूसरी परसेंट नीचे आएगी, दूसरी परसेंट में हानि दे रखी है तो 10% हानि में 90 आ जाएगा नीचे। तो ये आया 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं, तो इसको हम कह सकते हैं फिर 36 रुपये में बेची गई वस्तुएं। छत्तीस से इंटू कर दो इसको, तो 60/45, 120/90 इंटू 36। अब काट लीजिए इसको, ये देखो आप 30 तिया 90, 30 चौका 120, 15 चौका 60, 15 ती 45, और 3 से काटो इसको 12 बार, और फिर देखो 3 से कट रहा है 12, 4 बार, और आप देख रहे हैं 4 × 4 × 4, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 आंसर है इसका। ये डबल परसेंट वाला हो गया, बस आपको एन का मान निकालना था इसमें। एन का मान निकाल लिया हमने, पहली परसेंट आपको पता है ऊपर रख दी, दूसरी परसेंट नुकसान वाली है तो नीचे रख दिया इसको, जैसे भी आपके पास में परसेंट है उस हिसाब से रख के जब 1 रुपये का निकाल लिया तो 36 रुपये का निकालने के लिए 36 से इंटू कर दिया हमने। ये आपके 3 सवाल थे 1 रुपये वाले। इसके बाद में फिर सिस्टम चेंज, और सिस्टम चेंज ये कह रहा है सवाल का कि यदि दो वस्तुओं का कुल क्रयमूल, दो वस्तुओं कुल क्रयमूल दे रखा है इसमें, उनमें से एक वस्तु पर 5% हानि दे रखी है, दूसरी वस्तु पर 15% का लाभ दे रखा है, और पूरे सौदे में भी आपको 10% लाभ दे रखा है, और ये पूछ रहा है आपसे कि 15% लाभ पर जो वस्तु बिकी उसका क्रयमूल क्या है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कुल क्रैमूल दे रखा है हमें कितना, 6,000। इस कुल क्रैमूल 6,000 को इसने दो पार्टों में बेचा है एक तरह से। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आपके लिए जिसमें आपको दो वस्तुओं का कुल क्रैमूल दे रखा हो, उनमें से एक वस्तु को बेचने पर इतने परसेंट लाभ या हानि दे रखी हो, दूसरी पर वस्तु की परसेंट लाभ हानि दे रखी हो, और पूरे सौदे की भी दे रखी हो, तो आपको ध्यान हो तो औसत वाले चैप्टर से हमने एक नियम सीखा है, मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम कहाँ चलता है, जहाँ पर आपकी दो कंडीशन होती हैं और दोनों की मिक्स कंडीशन होती है। अब यहाँ पर दो कंडीशन कौन सी हो गई, दो वस्तुएं हो गई, और मिक्स कंडीशन क्या हो गई, मिक्स का भी दे रखा है इसने पूरे सौदे का। तो इसने कह रखा है आपसे कि उनमें से एक वस्तु पर 5% हानि होती है, एक की हानि देती, दूसरे पर 15% लाभ होता है, और पूरे सौदे पर 10% लाभ होता है। इसका मतलब एक 5% हानि वाला है, एक 15% लाभ वाला है, और मिक्स में हो गया 10% लाभ वाला, ऐसे। तो इस तरीके से डबल कंडीशन आपकी सेपरेट है और एक मिक्स कंडीशन भी है, तो कौन सा नियम लग सकता है, मिश्रण का नियम। अब यहाँ पर मिश्रण नियम कब लगेगा, जब आपको दोनों वस्तुओं का कुल क्रैमूल दे रखा होगा, या तो कुल क्रैमूल दे रखा हो या कुल मात्रा दे रखी हो। ये मात्रा मतलब ये 6,000 किलोग्राम भी हो सकता है, उसमें से कह सकता है कि भाई उसमें से कुछ वस्तुओं को ऐसे बेचा
शेष को ऐसे बेचा और पूरे सौदे में ऐसा हुआ तो भी ये काम करेगा। तो कुल क्रय मूल्य और कुल आपकी जो मात्रा होती है वो एक जैसे ही काम करती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि किसी भी सवाल के अंदर कुल क्रय मूल्य दे रखा हो, उसको दो पार्टों में बेच रखा हो और पूरे सौदे का भी दे रखा हो, तो हमेशा आपको मिश्रण का नियम लगाना है और ये इसका डिफरेंस ऐसे लेना है। सीधा क्रय मूल्य का अनुपात आएगा ऐसे। घटाने में सावधानी रखनी है हमें। आपको सावधानी कैसे रखनी है कि मैंने आपको कल बताया था कि लाभ लाभ का अंतर घटता है, हानि हानि का अंतर भी घटता है, लेकिन लाभ हानि का अंतर जुड़ता है। तो आप देखिए, ये भी लाभ, 15% लाभ, 10% लाभ, दोनों का अंतर करूँगा मैं तो ये आपका 5 ही आएगा यहाँ पर। लेकिन ये लाभ और ये हानि, जब इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो गलती हो जाती है, यहाँ पर हम 5 कर जाते हैं, जबकि ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पर 15। क्यों? लाभ और हानि का डिफरेंस करेंगे हम तो डिफरेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, और ये इसको काट लो 1:3। ये है सीधा क्रय मूल्य का अनुपात। इसका मतलब है कि 5% हानि पर जो वस्तु बिक रही थी हमारी, उसका क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो लाभ पर बिकने वाली वस्तु क्रय मूल्य कितने रुपया है, 3 रुपया है, या 1:3 हो गया। और कुल अगर अनुपातों का योग करें हम तो अनुपातों का योग बैठ रहा है 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू जानते हैं हम। ये जो 6,000 रुपये हमारा कुल क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर आप अनुपातों का योग कर सकते हैं। तो अनुपातों का योग क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 इकाई बराबर कहेंगे हम 6,000, 1 बराबर कहिए 1500, 4 से कट रहा है सीधा। जब 1 बराबर 1500 कह रहे हैं हम, तो 1 तो इसका है, इसका 3 है, तो 3 इकाई बराबर निकाल लो, 3 इकाई बराबर हो जाएगा 3 × 1500, तो ये 4500 हो गया। तो मतलब ये निकला कि एक वस्तु अगर हमारी, एक वस्तु क्रेमुल अगर 1500 था तो दूसरी वस्तु क्रेमुल हमारा 4500 है। अब सवाल क्या चाहता है उस हिसाब से हम दे सकते हैं। अगर वो कहता कि हानि पर बिकने वाली वस्तु क्रेमुल बताओ, फिर तो 1 इकाई, हानि पर बिकने वाली वस्तु क्रेमुल आपका 1500 है। वो कहता लाभ पर बिकने वाली वस्तु क्रेमुल बताओ, तो 3 इकाई, और 3 इकाई हमारी कितना है, 4500 है। तो इसने पूछा है आपसे 15% लाभ पर बिकने वाली वस्तु क्रेमुल, तो 15% लाभ वाली कितना है, 3 है। तो आपका सवाल के हिसाब से आंसर क्या हुआ, 4500 हुआ। तो इसमें एक लाइन लिख दो चाहें तो, बिकने वाली वस्तु का ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, सॉरी 4500, 1500 नहीं, 4500, 1500 हानि वाली हो जाएगा। दोनों का भी पूछ सकता है आपसे, सपोज कीजिए कि सवाल में कहता आपसे कि पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा भी सवाल आ सकता है। ये 3 टाइप से सवाल बनता है आपका। एक तो ये टाइप सामने है, एक टाइप क्या होती है इसके अंदर, ये कह सकता है आपसे कि एक वस्तु को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को इतने परसेंट हानि पर बेचा, लेकिन पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा सौदे के अंदर, तो बीच में आपका ये 10% नहीं आएगा, बीच में आपका फिर 0% आएगा। और आप ध्यान दो, जब 0 यहाँ होता ना, तो आप यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेते ऐसे, तो इन दोनों डिफरेंस पर यही आते भाई, 5 0 घटेंगे तो 5 ही आएगा, इसमें घटेंगे 15 ही आएगा। तो इसका नोट डाल दो आप, लिखिए नोट, यदि इस प्रश्न में पूरे सौदे में ना तो लाभ होता ना ही हानि होती, तो बीच में 10% के स्थान पर 0% लेते। एक तो ये, एक नोट और डाल दो इसमें आप,
यदि इस प्रश्न में कुल क्रैमूल के स्थान पर कुल मात्रा दी हुई होती होती तो भी मिश्रण के नियम से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। इस प्रश्न को हल करके सीधे मात्राओं का अनुपात ज्ञात कर सकते थे। यह तो मतलब कुल क्रैमूल और कुल मात्रा आपका एक जैसे ही काम करती हैं। तो ये तीन टाइप के सवाल आपके एक ही सवाल के माध्यम से तैयार हैं। बस ध्यान ही रखना है आपको, अगर किसी सवाल में कुल क्रैमूल दे रखा है या कुल मात्रा दे रखी है तो ये आपको रेगुलर आता है क्वेश्चन, इसलिए इस पर एनर्जी लगाई जा रही है। बस ध्यान ही रखना है सिस्टम जो मैंने बता दिया है, बस उस पर कंसंट्रेट रहें, सवाल आपका तुरंत मिलेगा, आंसर तुरंत देगा, मात्रा अनुपात तुरंत देगा और आपका क्रैमूल अनुपात तुरंत देगा। कई बार तो सवाल के अंदर क्रैमूल अनुपात ही पूछता है, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे हम आगे, और आगे सवाल नंबर हमारा 20 आ रहा है। अब बीसवां सवाल क्या कहता है, देखो बीसवें सवाल में कहा गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 है, विक्रय मूल्य दे दिया है 75, और उसके परसेंट लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब होता है कि संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे मान लीजिए इसने पहला ऑप्शन दिया आपको 30, दूसरा दिया है हमारे लिए कितना 40, तीसरा दिया है 50 और चौथा दिया है 60। ध्यान से देखें सवाल को, बड़ा सिंपल सवाल है ये, ये भी हमारे लिए खूब मिलता है क्वेश्चन। ये जो ऑप्शन है आपके क्रैमूल के हैं, क्रैमूल ही पूछ रहा है सवाल के अंदर, सवाल ने लेकिन एक कंडीशन दी आपके लिए कि जितना उसका क्रैमूल है उतना ही परसेंट उसका लाभ है। द न्यूमेरिकल वैल्यू आर सेम, संख्यात्मक मान कैसे हैं दोनों के, सीपी और आपके प्रॉफिट के दोनों के मान सेम है। इसका मतलब 30 अगर क्रैमूल मानेंगे तो 30% ही आपको लाभ मानना पड़ेगा, 40 क्रैमूल मानेंगे तो 40% ही लाभ मानना पड़ेगा, 50 में 50% मानना पड़ेगा और 60 में 60% ही मानना पड़ेगा। और इनको 30 का 30% निकालना बिल्कुल बहुत आसान है। 30 का 30% 3 × 9 रुपये, 3 × 9 रुपये, इसका मतलब यहाँ पर 9 का फ़ायदा हो रहा है हमें। अब जो 9 का फ़ायदा होगा तो 30 वाली चीज़ हमारी 39 में बिकेगी, जब 30 वाली चीज़ 39 में बिकेगी, लेकिन हमारे सवाल का विक्रय मूल्य 75 है तो ये फेल हो गया। इसी प्रकार से हम 40 का 40% मुझवा निकाल सकते हैं, 40 का 40% निकालोगे तो 40×40/100, इस परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 416 लाभ हो गया। जब 16 का प्रॉफिट हो रहा है 40 पर, तो 40 में 16 जोड़िए कितना रहा है, 40 से 16 कितने होते हैं, 40 16 56 होते हैं, 56 भी नहीं तुम्हारे पास यहाँ पर, ये भी फेल हो गया। 50 पर जाओ, 50 का 50% निकालना है, 25 रुपये, जब 50 पर 25 का फायदा हो रहा है तो 50 में 25 जोड़िए कितना रहा है, 75 आ गया आंसर। ये इसका आंसर है, मतलब 50 में अगर 50 का 50% जोड़ रहे हैं हम तो कितना आ रहा है, देखो वही 75 आ रहा है, और यही सवाल का हमारा विक्रय मूल्य चाहता है वो। तो सबसे बढ़िया तरीका है आपका ऑप्शन, इस सवाल को हमेशा ऑप्शन से ही करना चाहिए हमें, क्यों ज़्यादा बड़े इसके ऑप्शन आते नहीं हैं, यही आते हैं नॉर्मली 30, 40, 50, 60, मैक्सिमम 80 तक, ठीक है ना। बस इसको इस प्रकार से चेक कर लो और आंसर आ गया अपना। सपोज करो ऑप्शन से चेक नहीं करना चाहते हम, तो इसका एक सूत्र भी लिख लो आप,
सूत्र लिखिए, क्रेमूल बराबर दस इंटू विक्रयमूल प्लस 25 माइनस 50, माइनस 50 बाहर है ये, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब फॉर्मूले के अंदर ये 50 फिक्स है, 25 भी फिक्स है और 10 भी फिक्स है, केवल आपको तो अपना विक्रयमूल जो दे रखा है सवाल में वो पुट करना है इसमें, और सीधा आंसर आना चाहिए इसका। आप चेक करके देखो, मुझे वानी चेक कर रहा हूँ पहले, 75 यहाँ मैं रखूँगा इसका, तो 75 में 25 जोड़ेंगे आप तो 75 25 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 में से 50 घटाएंगे तो क्या आएगा? 50 ही आएगा, ठीक है ना। ये अपने आप ही संख्या ऐसी आ गई विक्रयमूल की आपको ऐसे सवाल के अंदर, जिसमें 25 जोड़ने के बाद में पूर्ण वर्ग बन जाएगी और उसका वर्गमूल निकल जाएगा। वर्गमूल निकलते ही 10 से गुणा करना है, 50 घटाना है उसमें से, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। आप चेक कर लो इसको और रख के देखो उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखो आप, बिल्कुल आ रहा है, 10 इंटू 75 प्लस 25 माइनस में 50, ये सेकंड तरीका चल रहा है हमारा, सेकंड विधि। 10 इंटू 100 हो गया, 10 इंटू 10 हो गया, 100 में से 50 घटाइए, 50 आ गया, यही आंसर है। ये था हमारा सवाल कौन सा, 20वां। तो दो तरीके हो गए 20 सवाल के। इसके बाद में आइए 21 पर। 21वां सवाल कह रहा है आपसे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि वस्तु को निश्चित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। सवाल कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, मतलब फिक्स है। अब ये कह रहा है कि यदि वस्तु को निश्चित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचते हैं हम तो 10% नुकसान होता है। अब ये तो सवाल में क्लियर दिख ही रहा है कि 10% नुकसान हो रहा है इसमें। किसी भी सवाल में यदि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है तो ये हम जानते हैं वो हमेशा क्रेमूल पर होता है। यदि मैं इसका क्रेमूल 100 मान लूँ सपोज करो, तो 10% हानि हो रही है इसके अंदर, तो विक्रेमूल क्या हो जाएगा? विक्रेमूल 90 हो जाएगा। तो मैं इसमें निश्चित मूल्य मान के भी सॉल्व कर सकते हैं हम, और इसको 100 मान के क्रेमूल को तो भी हल कर सकते हैं। लाभानी में यही फायदा है आपको कि लाभानी के अंदर यदि आपने अपने हिसाब से किधर से भी चालू कर लिया तो बस बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमेशा क्रेमूल पर होता है, क्रेमूल पर होता है। तो अगर विक्रेमूल पता है आपको किसी सौदे के अंदर, परसेंटेज लाभानी पता है आपको तो क्रेमूल निकल जाएगा, क्रेमूल पता है परसेंटेज लाभानी पता है तो उसका विक्रेमूल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखो, माना वस्तु का क्रेमूल 100 रुपये है, माना वस्तु का क्रेमूल बराबर 100 रुपये, फिर लिखो 10% हानि पर विक्रयमूल बराबर 90 रुपये। ये जो 90 रुपये विक्रयमूल आया ना, ये निश्चित मूल्य का 2/3 भाग है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को निश्चित मूल्य के 2/3 पर बेचा है, और बेचा कितने में? 90 में बेचा है। तो ये 90 जो है निश्चित मूल्य का, निश्चित मूल्य का 2/3 भाग है बराबर 90। तो इसका मैंने 2/3 भाग निकल लिख दिया, बराबर 90 कर दिया। अब आप देखिए कि क्या 2 से 90 कट सकता है? बिल्कुल काट सकते हैं, जब बराबर चिन्ह बीच में होता है तो ऊपर को ऊपर काट सकते हैं हम। काटिए इसको, 45 बार काट दिया। अब 3 से 45 में काटूँ या गुणा करूँ? गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप निश्चित मूल्य निकाल सकते हैं, तो निश्चित मूल्य हो जाएगा हमारे पास 3 × 45 का मतलब होता है 3×5=15, 135 आ गया। जिस वस्तु का क्रयमूल 100 रुपये था उसका निश्चित मूल्य आ चुका है कितना? 135। लेकिन आगे सवाल क्या कहता है? आगे सवाल कहता है कि यदि वस्तु को निश्चित मूल्य पर ही बेच दें, अब 100 वाली चीज़ को आप 135 बेच दें, यानी निश्चित मूल्य हमारा ये तो है इसमें, यदि हम 100 वाली चीज़ को 135 बेचेंगे
तो बताइए इसमें कितने परसेंट लाभ होगा। लाभ क्लियर दिख रहा है, 35% होगा। तो आप लिख दो लाइन, यदि वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाएगा तो लाभ बराबर 135 माइनस में 100 बराबर 35%। ये आंसर है इसका, कितना परसेंट? 35%। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में जो सवाल आ रहा है आपका वो आ रहा है किसी वस्तु को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, किसी वस्तु को राम ने 20% लाभ पर श्याम को बेचा, श्याम ने 25% लाभ पर मोहन को बेचा, मोहन ने 10% हानि पर किसको बेचा? सोहन को बेचा। यदि सोहन का क्रय मूल्य 5400 रुपये है तो बताइए राम का क्रय मूल्य क्या है। तो इसमें तीन चार व्यक्ति आ गए हमारे पास। सबसे पहले इसमें राम का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, राम है, श्याम है, मोहन है और लास्ट में कौन है इसमें? सोहन भी है, सोहन है। इसका क्रय मूल्य दे रखा है सोहन का 5400। तो जो सोहन का क्रय मूल्य होगा बताइए वो मोहन का क्या होगा? मोहन का वो विक्रय मूल्य होगा, क्यों? मोहन को, मोहन ने इसको बेचा है सोहन को, तो इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा? वो क्रय मूल्य बन जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि 20% लाभ लिया इसमें राम ने, 20% लाभ राम ने ले लिया और फिर 25% लाभ लिया इसमें श्याम ने, तो इसमें 25% लाभ हो गया इनका। लेकिन मोहन को इसमें नुकसान हुआ है कितने परसेंट? मोहन को 10% हानि हुई है और 10% हानि लेकर के इसने इसको बेच दिया। अब आप देखिए कि इसका आपको क्रय मूल्य पता है तो इसका आपको विक्रय मूल्य पता है। जब विक्रय मूल्य पता है इसका 5400 है तो आप इसका विक्रय मूल्य जानते हैं, इसका आप नुकसान जानते हैं, तो इसका आप क्रय मूल्य भी जानते हैं। इसका मतलब अगर 5400 को आप 100/90 से गुणा कर दें, कि जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है और लाभानी का ऑपरेशन नीचे होता है, तो मतलब उल्टे क्रम से चलते आओ आप कि 5400 × 100/90 कर दिया तो इसका क्रय मूल्य बन जाएगा, इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। फिर इस पर 100/125 ऑपरेट कर देंगे हम तो फिर इसका क्रय मूल्य बन जाएगा, इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। फिर उस पर 100/120 ऑपरेट कर देंगे हम तो इसका क्रय मूल्य बन जाएगा और सीधा उत्तर आ जाएगा। मतलब 5400 × 100/90 ऑपरेट करो, दूसरी बार में 100/125 ऑपरेट करो और तीसरी बार में आप 100/120 ऑपरेट करो, तो ये आपके पास में सीधा राम का क्रय मूल्य आ गया। ये आंसर इसका, मतलब उल्टे क्रम से आ रहे हैं हम, तो बस सबका क्रय मूल्य बना, चलो आप इसका क्रय मूल्य बना दिया, इसका भी बना दिया और इसका भी बना दिया और गुणा कर दो सीधा, और ये आंसर आपका काटने पर, काट के देखते हैं इसको हम, 90 से कटेगा सीधा कितनी बार देखो, 60 बार, 25 × 100, 25×5 125, 20×5 100 और 20×6 120। और यहाँ पर आप देखिए और कुछ कर सकता है क्या? बिल्कुल 5 से 5 गया, और कोई चांस कटने के? यहाँ 6 और 60 कट रहे हैं, देखो 6 से कितनी बार, 10 बार कट रहा है। अब नीचे वाले सब कट चुके हैं, ऊपर से गुणा कर लो, ऊपर से 10 × 100 × 4 और ये हो गया हमारा 4000। तो राम का क्रय मूल्य कितना था इसके अंदर? 4000 रुपये था। इस तरीके से शुरू करते हैं 22वां सवाल। जल्दी बस उल्टे क्रम में आपको ऑपरेट करना है। क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो ऑपरेशन होता है नीचे, विक्रय मूल्य जब निकालते हैं तो ऑपरेशन कहाँ होता है? ऊपर होता है, ये ध्यान रखना है। किसका? लाभ हानि का।
इसके बाद में आएंगे हम आगे सवाल नंबर किस पर, 23 पर। 23 में सवाल आपका बिल्कुल मुझबानी है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है क्रय मूल्य का 4/3, विक्रय मूल्य दे रखा है क्रय का 4/3, तो इसको कह सकते हैं हम विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य 4/3। जो पहले लिखा रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जैसे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है। तो ये हो गया हमारा 4/3 का मतलब, लाभ हो गया इसमें 1 का, परसेंट लाभ निकाल लो 1/3 × 100, 33 सही 1/3%, ये इसका उत्तर है। तो ये आपको फ्रेश करने वाला सवाल मिल गया बीच में, सिंपल एकदम। लेकिन कई बार क्या है कि अगर इसमें गड़बड़ कर दिया, क्रेमुल को विक्रेमुल मान गए, विक्रेमुल क्रेमुल मान गए, तो इसमें नुकसान हो जाएगा फिर, जबकि इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें क्रम का विशेष ध्यान रखना है आपको, कि जो पहले लिखा रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है भिन्न के अंदर, और जिससे तुलना करते हैं हम वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। इसके बाद में 24वां सवाल दिया है मैंने कि एक व्यापारी दो प्रकार की दालों को 2/3 के अनुपात में मिलाकर के 50 रुपये किलो बेच रहा है और 25% लाभ भी कमा रहा है। यदि कम मात्रा वाली दाल का भाव 28 रुपये किलो है तो अधिक मात्रा वाली दाल का भाव क्या है? 2/3 दिया है इसने अनुपात को, तो आप ऐसा करो इसको 2 किलो और 3 किलो ही मान लो। 2/3 दे रखा है ना, तो हम मानते हैं कि ये कम मात्रा वाली है और ये अधिक मात्रा वाली है। तो ये कुल मात्रा कितनी हुई बताओ इसकी? कुल मात्रा हुई तुम्हारे पास में 5 किलो। 5 किलोग्राम मान लिया है। मानना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अनुपात है, इसको आप 20 किलो 30 किलो ही मान सकते हैं, उससे आंसर पर लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका वही आएगा, 1 किलो का आंसर पूछ रहा है तो उस हिसाब से भाग देंगे हम। तो ये 5 किलो हो गई, इस 5 किलो को इसने बेचा है 50 रुपये किलो, तो लिखिए कुल विक्रय मूल्य 5×50=250, ये विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ कितना परसेंट हो रहा है इसमें? 25% का लाभ भी हो रहा है इसको, लाभ जब दे रखा है 25%। अब देखो आपको विक्रय मूल्य पता है इसके अंदर, जब विक्रय मूल्य पता है आपको और लाभ पता है इसमें आपको, तो क्रय मूल्य निकाल लो। और हम जब जानते हैं क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो लाभानि का ऑपरेशन कहाँ होता है? नीचे होता है। तो 250×100/125, 25% लाभ मतलब नीचे 125 आएगा, तो इसको आप 2 बार काटो 200 आ गया। अब ये 200 जो आया हमारे पास में कुल क्रय मूल्य आया इन दोनों मात्राओं का, यानी कुल मात्रा का क्रय मूल्य है, लेकिन एक क्रय मूल्य इसने दे रखा है आपको, इसने बता रखा है कम मात्रा वाली दाल का भाव 28 रुपये किलो है। अब कम मात्रा वाली कितने किलो है तुम्हारे पास? 2 किलो है। जब इसका भाव 28 रुपये किलो है तो 28 दुनी कितने होते हैं? 56 होते हैं। तो 56 जो वैल्यू है वो इस 200 में से है, 200 टोटल है हमारे पास। तो आप लिखो कम मात्रा वाली दाल का मूल बराबर 28×2 का मतलब 56, 56 घटा दो 200 में से, फिर लिखो अधिक मात्रा वाली 3 किलोग्राम दाल का मूल बराबर 200 − 56, और ये हो जाएगा हमारा 144। 144 जो है हमारे पास वो कितने किलो का है? 3 किलो का है, लेकिन ये चाहता कितने किलो का है? ये प्रति किलोग्राम जा रहा है, सबका प्रति किलोग्राम भाव दे रखा है, तो लिख दो 1 किलोग्राम का भाव, 1 किलोग्राम का मूल बराबर 144/3 = 48 रुपये, ये आंसर है इसका। अधिक मात्रा वाली जो 1 किलोग्राम दाल है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, वो हम निकाल चुके हैं, वो है हमारा कितना? 48 रुपीज़ पर kg। 2 किलो 3 किलो 5 किलो, 5 को 50 से गुणा कर दिया, 250 की बेची, 25% लाभ, कुल क्रय मूल्य निकाल लिया, 200 में से आपने 56 घटा दिया, क्योंकि 56 हमारे लिए इसने दे रखा है, 56 घटाते 144 आ गया, 144 को 3 से भाग दे दो, सीधा उत्तर आ गया। तो ये भी आपका एक मिश्रण का सवाल था जो इसमें डाल रखा है मैंने आपको, लेकिन वो उस मेथड से नहीं होता, क्रॉस डिफरेंस वाले से। ये मेथड इसका ये रहेगा। ये था हमारा सवाल कौन सा,
24वां, 25वां सवाल और करें आप इसका। 25वां सवाल क्या कहता है, देखो एक वस्तु को 450 में बेच रहा है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक व्यक्ति उसकी लागत का 1/10 भाग हानि उठाता है। तो 450 में जब बेच रहा है तो लागत का 10वां हिस्सा हानि उठा रहा है, तो इसका मतलब है यदि लागत हम 100 मान लें, लिखो माना लागत मूल 100 रुपये, तो हानि हो जाएगी इसके अंदर 100 का 10वां हिस्सा हो रहा है 10 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा फिर बताओ भाई। 100 वाली चीज़ पर जब 10 की हानि हो गई तो चीज़ बिकेगी कितने में, हमारी 90 में बिकेगी, 90 का मान सवाल में दे रखा है आपको। तो लिखिए 90 इकाई बराबर कितना है, 90 इकाई बराबर 450, 1 बराबर 5 और 100 बराबर 500। जी आंसर है इसका, यही लागत मूल्य हमारा 500 रुपये। तो मुझवानी हो रहा था वैसे भाई, इसने बोला कि 10% नुकसान हो रहा है इसको, एक तरह से 1/10 भाग का मतलब क्या होता है 10%, 10% नुकसान हो रहा है, 10वां हिस्सा हानि हो रही है। तो 90 का मान जानते हैं, 90 का मान 450, 1 का मान 5 और 100 का मान कितना 500, ये इसका लागत मूल्य है। और यही पूछ रहा है आपसे कि लागत मूल्य उसका क्या है। इसके बाद में जो सवाल हैं आपके 26वां, 27वां और 28वां, 29वां, ये सभी एक ग्रुप के सवाल हैं, इनको मैं आपके लिए कल बताऊंगा, ठीक है ना। आज इतना ही करें बस, और जितना जितना चल रहा है उसको घर जाकर तुरंत देखें आप, ठीक है ना। मैंने कल ही बताया था आपके लिए कि लाभ हानि का चैप्टर ऐसा आपका जो थोड़ी ज़्यादा तुरंत मेहनत चाहता है, ताकि आपको बाद में अनबैलेंस नहीं हो। इस समय थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देंगे इस पर हम, तो ज़्यादा ग्रिप में आ जाएगा ये, ठीक है ना। और उन्हीं सवालों को पहले देखो आप जो क्लास में कर रहे हैं हम, उसके बाद में होमवर्क वाली किताब के देखो आप, फिर आगे बढ़ो आप, ठीक है ना। ओके।